हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, भोज किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ आलू सूजी की खस्ता करारी पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो काफ़ी टेस्टी होती है और हम इसे बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें एक कप सूजी लेंगे। सूजी मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वही ली है। तो चलिए इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का पानी डालकर इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। इसके बाद हम सूजी को चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी फूलकर सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बॉयल आलू जो मैंने कद्दूकस करके लिया है। आलूओं को ग्रेट करने से इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहती हैं, जिससे पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं और फटती भी नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, इसे क्रश करके डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और हम इसमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा मिला के मिक्स करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है, यानी हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। हमें इसे गूंथते वक्त इसमें पानी नहीं मिलाना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसे डो बनाकर तैयार करना है। आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से गूंथकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें आटा मिक्स करके इसे डो बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे आटा गीला लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है, आटा परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम अब पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल पूरियां हम घर में बनाते हैं बस वैसी बनानी है। हमें इसकी ज़्यादा मोटी पूरियां नहीं बनानी है, पतली बनानी है ताकि हमारी पूरियां खस्ता और करारी हो। तो देखिए, इसी तरह से हम सारे लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से हम जो बाकी की लोइयां हैं उन्हें भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सारी लोइयां बनकर तैयार है। अब हम इनकी पूरियां बनाएंगे। पूड़ी बेलने के लिए हम चकले में हल्का तेल लगाएंगे ताकि पूड़ियाँ इसमें चिपके ना। उसके बाद लोई लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूड़ी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी की पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बाकी की पूड़ियाँ भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये मीडियम गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पूरी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है ताकि पूरी फूल कर तैयार हो सके। तो देखिए कितनी अच्छी पूरी बनकर तैयार हुई है, फूली फूली। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये पूड़ियाँ काफ़ी टेस्टी होती हैं और हम इसे बिना सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं, बच्चों को तो पूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो चलिए, इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए,
बाकी की पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। काफ़ी फूली फूली और खस्ता करारी पूड़ी बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन पूड़ियों को बिना सब्जी के भी खा सकते हैं या आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होती हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।